एट लास्ट ए मिस्ट्री मिस्ट इवेंट आ चुका है यूनलिन का। जब आप लोग इस इवेंट में जाओगे ऐसे चार कार्ड दिखाई देगा। ओके, इसमें जो लेफ्ट वाला कार्ड है इसमें दो टैलेंट लेफ्ट साइड में है, दो टैलेंट राइट साइड में है, और एकदम राइट वाला जो कार्ड दिखाई देगा उसमें दो टैलेंट राइट में है, दो टैलेंट लेफ्ट में है। अगर ये दो कार्ड का टैलेंट जान जाओगे तो पूरा यूनलिन हाथ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट 80% आप जान जाओगे कैसे ये वर्क करता है। चलो सब टैलेंट का बारे में आज बात करते हैं। आप लोग देख रहे हो टीटी गेमिंग 007। चलो भाई लोग शुरू करते हैं। तो मैं गेम प्ले के साथ दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है। पहले आप लोग ये प्लेयर लिस्ट में जाओ, कैरेक्टर लिस्ट में जाने के बाद इतु का अंदर जाओ। जाने के बाद ये राइट क्लिक दबाने के बाद यूलिन का अंदर आप लोग आ जाओगे। ठीक है, अभी तो यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है। फास्ट मैं जो दिखा रहा हूँ ये हाथ में जो वेपन पकड़ के रखा है ना, ये है फ्लूट। इसका वेपन, इसको गेम में कहता है यूलिन स्टाफ। ओके, ये दिमाग में रखना। अभी चलो शेडो पे चलते। अभी इसका देखो दो शेडो है, एक है एंचेंटमेंट मेलोडी, दो है चार्म ऑफ विंड। ओके, अभी ज्यादा कुछ नहीं है। ये एंचेंटमेंट मेलोडी जब यूज करोगे वो फ्लूट बजाता है, ओपोनेंट को हिप्नोटाइज करता है, उसी टाइम में उसका किसी का हेल्थ इंक्रीज होता है, ओपोनेंट का शेडो लेता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैं दिखाऊंगा। और अभी चार्म ऑफ विंड्स क्या है ये दिमाग में रखना, ये टेलीपोर्ट करता है, मतलब खुद यूनलिन इनविजिबल होके प्लेयर का पीछे चला जाता है। जाने का बाद क्रिटिकल वो जो वेपन है वो जल जाता है, उसके बाद वो क्रिटिकल करता है, मतलब उसका डैमेज ज्यादा देता है। इसके ऊपर ही बेस करके सब डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट है। अभी मैं टैलेंट के साथ साथ गेम प्ले दिखाऊंगा, सब क्लियर कर दूंगा। देखो अभी ये यूनलिन का कार्ड देखो, जो कार्ड लेके मैं जा रहा हूँ नीचे से दो टैलेंट राइट साइड में है और उसका ऊपर लेफ्ट दो है। तो ये कैसे काम करता है ध्यान से देखो, गेम शुरू हो रहा है। अभी फास्ट जो टैलेंट है उसका राइट वाला टैलेंट फास्ट दिखाने वाला हूँ। और ऊपर देखना इसका शैडो बार पूरा फुल नहीं होता, उससे पहले ही इसका शैडो आ जाता है। अभी ये फास्ट टैलेंट का राइट साइड में क्या लिखा है देखो, यूलिन रिसीव्स अ न्यू फ्लूट मेलोडी, द शैडो एबिलिटी ड्रॉज हर ओपोनेंट शैडो एनर्जी व्हेन यूज्ड। मतलब जब ओपोनेंट उसका शैडो यूज करने जाएगा उसी टाइम में अगर आप फ्लूट बजाओगे उसका तरफ एरो करके तो वो हिप्नोटाइज्ड हो जाएगा, उसका भी शैडो ले लेगा। अभी ध्यान से देखो ये मैं शैडो यूज किया, वो हिप्नोटाइज्ड हो गया, उसका शैडो बार देखो 50% कम हो गया। ये बहुत एक्सीडेंटली होता है, अगर वो शैडो यूज करने जाएगा तभी ये चीज होता है। ओके चलो गेम शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल रहा है बूचल लेके। और ये मेरा किक, इसको ग्रैब किया और ये अपर और ये खत्म। अभी इसका होमजू आएगा और इसमें आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हो टीटी गेमिंग 007। दिल से अच्छा लग रहा है तो आज का मेरा मेहनत तो दिल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, दिल से होना चाहिए भाई लोग। अभी दो टैलेंट एक साथ दिखाऊंगा। ये नंबर 3 का लेफ्ट टैलेंट देखो, यूलिन रिसीव्स अ न्यू चार्म चेम शैडो एबिलिटी मेक्स हर इथेरियल, मतलब कुछ समय के लिए इसको इथेरियल कर देगा, स्पिरिचुअल कर देगा अगर चार्म ऑफ विंड शैडो यूज कर रहे हो तो। ठीक है, और इसके साथ साथ नंबर 4 का लेफ्ट टैलेंट देखो, अगर ये सक्सेसफुली यूज करोगे, अगर ओपोनेंट आपको अटैक नहीं करेगा उसी टाइम में, तो अगर ये सक्सेसफुल होगा तो क्या करेगा, यूलिन का हाथ में जो स्टाफ है वो जल जाएगा, वो और भी ज्यादा डैमेज देगा, ओपोनेंट का ब्लॉक ब्रेक कर देगा अगर उसी टाइम में ओपोनेंट आपको सक्सेसफुली अटैक नहीं करेगा तो। तो चलो देख लेते कैसे होता। ये मैं ऑपोजिट शेडो दबाया, पीछे आ गया टेलीपोर्ट करके और वो हिप्नोटाइज्ड हो गया। और देखो मेरा स्टाफ जल रहा है, इसी टाइम में ब्लॉक ब्रेक भी हो गया, क्यों वो मेरे को सक्सेसफुली अटैक नहीं कर पाया, इसलिए ये दो शैडो एक साथ मैंने दिखा दिया। अभी लेवल 2 का राइट टैलेंट देख लो, उसके तरफ एरो करके शैडो दबाया और अगर ये सक्सेसफुली होगा तो इसके बाद मैं जो अटैक करूंगा ना उसका डैमेज बहुत ज्यादा होगा, ऊपर नोटिस करो। तो ये हो गया
लेवल 2 का ये राइट टैलेंट सक्सेसफुली परफॉर्मिंग फ्लूट मेलोडीज गिव यूलिन्स इको चार्जेस दैट इंक्रीज हर डैमेज। तो ये लेवल 1 और 2 का राइट और 3 और 4 का लेफ्ट टैलेंट क्लियर हो चुका है। अभी मैं जाने वाला हूँ लेवल 1 और 2 का लेफ्ट टैलेंट और 3 और 4 का राइट टैलेंट के बारे में। ये ध्यान से देखना भाई लोग। और ये पार्ट शुरू करने से पहले एक ही बात बोलूँगा, आप लोग देख रहे हो टीटी गेमिंग 007, सिर्फ आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और दिल से अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना एक। तो चलो शुरू करते हैं वो सेकेंड वाला टैलेंट का तरफ। अभी ये टैलेंट दिखाने से पहले कुछ बातें बोलूंगा। कल रात को ये अपडेट आया, उसके बाद 1 बजे का अंदर मैंने पूरा इवेंट कंप्लीट किया। मेरा दिमाग में था पूरा टैलेंट आप लोगों को दिखाऊंगा कल सुबह, इसलिए तो पूरा कंप्लीट हो गया था मेरा। तो ये मैं जो मैच दिखाने वाला हूँ ये मेरा पूरा फास्ट मैच है। मैं कुछ नहीं जानता इस मैच में क्या होगा, कैसे मूवमेंट होगा, और इसी मैच से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे इसका टैलेंट यूज हुआ। ठीक है, तो जो बंदा आ गया है इसका नाम है शैडो मैन। अब ये नंबर 1 टैलेंट का लेफ्ट साइड में है हीलिंग मेलोडी। जब मैं शैडो यूज करूंगा वो खुद को हील करेगा, मतलब उसका हेल्थ रिस्टोर होगा हीलिंग मेलोडी में, ये दिमाग में रखना। और इसके साथ साथ लेवल 2 का जो लेफ्ट टैलेंट है मूनलाइट सोनाटा, वो जब खुद को हील करेगा उसी टाइम में जितना पोर्शन वो हील करेगा मतलब हेल्थ रिस्टोर होगा उतना ही उससे शैडो चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और उसके साथ साथ ओपोनेंट जो स्टन हो जाता है ना, मतलब हिप्नोटाइज हो जाता है, उसका भी टाइम और ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा। देखो कैसे काम करता है ये। ये मैं आ गया, गेम शुरू हो रहा है, मेरा लेफ्ट साइड में है ये यूनलिन, उसका भी यूनलिन है। ओके, अभी मेरा शैडो फुल हो चुका है, अभी मैं यूज कर रहा हूँ शैडो। ध्यान से देखना ये टाइम को, ये देखो यूज कर रहा हूँ, अभी देखो मेरा हेल्थ इंक्रीज हो रहा है और शैडो एब्जॉर्ब हो चुका है। मूनलाइट सोनाटा और हीलिंग मेलोडी एक साथ हो चुका है। और अभी लेवल 3 और 4 का राइट वाला टैलेंट डिस्कस करने वाला हूँ। राइट वाला टैलेंट लेवल 3 का है चार्म ऑफ मिस्ट। अभी अब ये शैडो मैं यूज करूंगा ऑपोजिट शैडो चार्म ऑफ विन का शैडो, तब क्या होगा वो खुद इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना, लेवल 3 का राइट साइड का टैलेंट है, जब आप शैडो यूज कर रहे हो वो खुद इनविजिबल हो जाएगा। अब जब वो इनविजिबल हो जाएगा उसी जगह पे एक मून बीम क्रिएट करेगा ऊपर से नीचे तक, उसको कहता है स्कॉर्चिंग मून बीम, ये बोल रहा है। ठीक है, ये लेवल 4 का राइट वाला टैलेंट है, वो मून बीम उसी प्लेस में आएगा और जो सेट ऑन फायर बोल रहा है, मतलब ओपोनेंट फायर के ऊपर जब जाता है ना फायर गार्ड का जो फायर अर्थ ऑन फायर, वैसे ही होगा ये मून बीम का अंदर जब ओपोनेंट जाएगा उसका हेल्थ डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो हेल्थ बहुत सारा लूज करेगा। तो ये दोनों शैडो कनेक्टेड है, ध्यान से देखो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। ये अभी मेरा जो यूलिन है वो राइट साइड में है, ठीक है, मेरे को मार रहा है। ओके, अभी देखो राइट वाला जो यूनलिन है उसका मैं शैडो यूज किया और उसी टाइम मैं इनविजिबल हो गया। जाने के बाद उसी जगह पे जो ये मून बीम आ रहा है ना, इसी बीम का नीचे जब देखो ओपोनेंट अभी खड़ा है मून बीम का नीचे, मतलब उसका हेल्थ जा रहा है, डैमेज हो रहा है उसी मून बीम के ऊपर। अगर वो खड़ा रहेगा बहुत सारा हेल्थ चला जाएगा। ये हो गया लेवल 3 और 4 का राइट वाला टैलेंट। तो भाई लोग ये सारे टैलेंट मैंने डिस्कस कर दिया इसी गेम प्ले में, 1 से 4 तक जितना सारा टैलेंट था सब, लेकिन एकदम 5th टैलेंट जो है वो अभी तक अनलॉक नहीं हुआ इसलिए नहीं दिखा पाया। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मेरे को कमेंट करके बताना, वो भी मेरे को जानना पड़ेगा। ठीक है, मैं मेरे तरफ से 100% कोशिश की आप लोगों को बताने का पूरा टैलेंट। अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे को भी वो चीज़ जानना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हो टीटी गेमिंग 07, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, नेक्स्ट गेम प्ले बहुत जल्द आने वाला है यूनलिन के ऊपर, और टीटी का साथ रहो।